राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजसमंद के उथनोल गांव में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ये घटना नाथद्वारा के समीप उथनोल गांव की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ आरोपी टीचर पिछले 2 सालों से अश्लील हरकत कर रहा था। परिजनों का कहना है कि बच्ची को अलग कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ किया करता था टीचर। टीचर ने कई बार बच्चों को डराने धमकाने के लिए उसे जान से मारने तक की धमकी दी। लगातार 2 साल से बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था टीचर। डर के मारे बच्ची नहीं बता पा रही थी परिजनों को। पूर्व में भी टीचर द्वारा ऐसी हरकतें करने पर गांव के लोगों ने स्कूल के प्रधानाचार्य को की थी शिकायत। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि गांव वासियों को पता चलने पर अश्लील टीचर की जमकर धुनाई कर दी और मामला दर्ज कराया। सोचने वाली बात यह है कि राजसमंद में पूर्व में भी कई बार अध्यापकों द्वारा इस तरह की हरकत करने के मामले सामने आए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग व प्रशासन की घोर लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। कई घटनाक्रम भी हो आप जिला रहे घटनाक्रम आप भी जिला रहे मशीन इन साइड में बोले बता पड़े मशीन रहे या कटे की दी गई ऐसी हरकत स्कूल में की दी। हाँ। कैसी स्कूल है या गांव भी उथनोल गांव री स्कूल। हाँ, कई घटनाक्रम है पूरा बताओ आप। घटनाक्रम तो मैसेज भेजे। हाँ, पहला 2-3 महीना पहले छुट्टी रखी। तो ये मैसेज कौन भेजे टीचर है? हाँ, टीचर मैसेज भेजे परसों के धमकी दी थी। मैडम ने सर ने कभी क्यों है तो मानना पड़ा। अच्छा, बड़ी धमकी हमारे मैसेज पे माँ सुबह हाजिर मारा ध्यान दी माँ सुबह स्कूल में गया। तो आज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाँ, आज रिपोर्ट। तो कई नाम है टीचर रो? आप कैसे गाँव रहा रहवासी हो? ये हमारे बच्ची को परेशान करता है। वो उसको साइड में बुलाता है, बातें करता है, आई लव यू बोलता है, वो सर तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ऐसा ऐसा गंदी गंदी बातें करता है। बच्ची ने तो एक बार मना किया, 2 बार मना किया, धीरे धीरे बात पूरा स्कूल में बात चली गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल ने बुलाया, दोनों को पूछा, तो बच्ची ने जो है निडर होके सही बता दिया। उसके बाद में हमको भी मालूम पाया, कल प्रिंसिपल ने बुलाया, बात किया, तो हम जाके आज स्कूल में वो हंगामा किया, फिर जाके रिपोर्ट किया। हमारा बस यही है, इसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सुबह गांव उथनोल से एक सूचना मिली थी कि स्कूल में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं और एक अध्यापक के खिलाफ में बच्ची से छेड़छाड़ की शिकायत है। इस पर मैं जागता के स्कूल में पहुंचा और लोगों से समझाइश की और संबंधित पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात करके उनकी FIR दर्ज की जा रही है और जांच के लिए आरोपित अध्यापक योगेश कुमार को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों को समझाइश करके शांत किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर ली जाए।